देखो ये टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, आपके पास एक ब्लॉक है 4 kg का, ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, अर्थ में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है 2 kg का, इन दोनों में फ्रिक्शन है और मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई 2 न्यूटन, तो इनकी बाउंड्री पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज आपको गिवन है, दो केस हो सकते हैं। पहला कि फ्रिक्शन इतनी ज़बरदस्त है यहाँ पर कि आपने 2 न्यूटन को 2 न्यूटन से पुल किया और ये दोनों के दोनों इकट्ठे ही मूव करना स्टार्ट हो गए क्योंकि फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ये सेपरेट नहीं हो पाए, पूरा सिस्टम इकट्ठा मूव कर रहा है। दूसरा केस, फ्रिक्शन कमज़ोर है, 2 न्यूटन बड़ा है, तो 2 kg का ब्लॉक आगे सरकेगा, 4 kg भी सरकेगा, पर 2 kg अल्टीमेटली गिरी जाएगा उसके ऊपर से, क्योंकि 2 kg आगे आगे आता आता बाहर ही आ जाएगा। दो ही केस हो सकते हैं, यानी कि या तो 2 ब्लॉक्स विल गेट सेपरेटेड और दे विल मूव टुगेदर, या तो इकट्ठे मूव करेंगे या इनमें क्या हो जाएगी सेपरेशन, ये एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? या तो एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे या फिर क्या करेंगे, ये इकट्ठे मूव करेंगे। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो मुझे ये बताएं कि ये दोनों अगर 2 kg और 4 kg है, तो 2 kg का ब्लॉक पे जब 2 न्यूटन फोर्स लगी तो क्या ये सेपरेट होंगे या ये इकट्ठे चलेंगे, आप बता सकते हैं? आपको क्या लगता है, बता सकते हैं? इसकी वैल्यू को देख के आप बता नहीं सकते कम से कम, क्योंकि जब तक आपको अंदर की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं मालूम आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहला काम इसमें यही है, चेक करना क्या ये सेपरेट होंगे या ये नहीं होंगे, और वो चेकिंग सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, म्यू एस, क्योंकि अगर म्यू म्यू के का काम ही तब है जब ये आपस में सेपरेट होंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, और अगर ये इकट्ठे चल पड़े तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल प्ले करेगी। अगर तो स्लाइडिंग हो गई, 2 kg सरकता हुआ 4 kg के ऊपर से निकलता चला गया तो काइनेटिक है, और अगर इकट्ठे गए तो यानी कि रिलेटिव मोशन जीरो, तो क्या है बीच में स्टैटिक है। चेक कैसे करना है, सेपरेशन होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है 2g यहाँ पे 2g, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक चेक करो, म्यू एस इंटू 2g, तो मैक्सिमम स्टैटिक कितनी है यहाँ पर 0.5 × 2g 10 न्यूटन, यानी कि दोनों ब्लॉक्स को सेपरेट करने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है 10 न्यूटन। कोई डाउट इसमें, आपने कितनी लगाई 2 न्यूटन, तो इनकी सेपरेशन नहीं होगी, ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। हो गया फैसला, तो कैसे फैसला करना है, बाय कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इकट्ठे मूव करेंगे और दे विल हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन, इकट्ठे मूव करने का मतलब एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी, तो इनमें इनके अंदर जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी उसका नाम क्या होगा, अब स्टैटिक। स्लाइडिंग कब बोल रहे हैं, जब ये सेपरेट होंगे, ये सेपरेट नहीं हो रहे, इकट्ठे चल रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कौन सी है स्टैटिक, तो बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, कोई बोलता है 2 न्यूटन, कोई बोलता है 10 न्यूटन, ना 2 न्यूटन ना 10 न्यूटन, कुछ नहीं। आपको ऐसे कैसे, प्रॉब्लम तो यही है, काइनेटिक फ्रिक्शन की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। तो एक स्टूडेंट का ये सोचना गलत नहीं होगा कि क्योंकि 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए इनको सेपरेट करने के लिए और हमने कितनी फोर्स अप्लाई की 2 न्यूटन, तो कायदे से बनता तो यही है कि जो मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ वही क्या बने स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आंसर लगता ऐसा है कि 2 न्यूटन होगा। और हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे एग्जाम्पल किए भी कि अगर ब्लॉक को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए और मैं लगाता हूँ 2 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लिखनी होती है 2 न्यूटन, पर इसमें ऐसा होगा नहीं। आपको ऐसा कैसे, पहले तो हो रहा था, अब एकदम बंद कैसे हो गया, पहले के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं होती थी, ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा होता था, इसके अंदर पूरा सिस्टम क्या कर रहा है एक्सेलरेट, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं चलेगा। तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन अंदर क्या लग रही है, ब्लॉक से पूछ लेते हैं, चलो ब्लॉक से पूछते हैं। ब्लॉक कहते हैं एक काम करो, पहले डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, कैसे, 2 न्यूटन की फोर्स इसको राइट लेके जा रही है, तो ये कहता है देखो 4 kg ने मेरे को फ्रिक्शन पीछे लगाई, मेरा नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं तो रेस्ट पे ही हूँ ना इसके कंपैरेटिवली, और मैंने भी इसके ऊपर एफ फोर्स लगाई, तो इसका नाम क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, और हमें एफ कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक,
पूरा सिस्टम आगे मूव कर रहा है विद ए, तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में 2 N आगे की फोर्स है और स्टैटिक पीछे की फोर्स है और ये मूव कर रहा है विद ए. 4 kg के लिए आगे की फोर्स है एफ और ये मूव कर रहा है विद ए, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 - F = 2a और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, F = 4a. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके F जो आएगा 4/3 N आंसर है. ये 4/3 नहीं है इसका, कैलकुलेशन गलत है. अच्छा एक बार चेक करना प्लीज, आंसर 1/3 है क्या इसका, चेक करना 1/3. अच्छा कोई बात नहीं, 1/3 N जितना भी है कैलकुलेट कर लेना, पॉइंट समझ में आ रहा है. तो जब ब्लॉक्स के क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमें ये चेकिंग करनी होती है कि ये सेपरेट होंगे या ये सेपरेट नहीं होंगे. ऐसा कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालना होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इनको सेपरेट करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 10 N, राइट. हमने कितनी लगाई, 2 N, सेपरेट नहीं होंगे. और फिर क्या निकलेगी, अंदर की स्टैटिक फ्रिक्शन. कोई आपने 2 N आंसर बोलना नहीं है, ब्लॉक्स के अंदर हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम ही स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करके देंगे. तो आपने फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि 2 kg राइट मूव कर रहा है तो स्टैटिक पीछे है और इसके ऊपर आगे है. डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, एफ निकालेंगे. पहला रूल क्लियर है, 4/3 आंसर, तो 4/3 आंसर है. एक्सलेशन 1/3 है, ओके, तो फोर्स 4/3 सही है. आगे देखो, अब अगर सपोज करो फोर्स की वैल्यू, अगर मैंने 2 N की जगह क्या लगाई, 200 N, ठीक. फोर्स कितनी लगाई, 200 N, ठीक. और सेपरेट करवाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड कितनी है, 10 N. सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि फोर्स काफी ज्यादा लग गई, सेपरेशन होगा. अब जब सेपरेशन होगा एक नई कहानी है. वो पहली कहानी क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि इनमें कौन सी फ्रिक्शन ऐड करेगी, काइनेटिक, रूल नंबर 1. और अगर कोई पूछे फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो समझो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया. सेपरेशन हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो एक मिनट में काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा दो. म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन क्या है, 2g. तो म्यू के हमें पता है, 2g पता है, आंसर 8 N फ्रिक्शन है, काम खत्म. तो सही है. अगर ये स्टैटिक होती फिर एक स्टेप फालतू था, फ्री बॉडी डायग्राम. अगर ये स्लाइडिंग हो रही है फिर एक स्टेप कम हो गया, सीधा लिख दो काइनेटिक फ्रिक्शन आंसर. पहला स्टेप क्लियर है. दूसरा, जब इनकी स्लाइडिंग होगी तो एक तेज चलेगा एक स्लो चलेगा, तो दोनों की एक्सलेशन ए नहीं होगी, एक की एक्सलेशन ज़्यादा होगी और एक की एक्सलेशन कम होगी. तो एक्सलेशन ए और ए नहीं होगी, A1 और A2 होगी. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक. तो आपको इसमें कैलकुलेट करने को आएगा फाइंड इनकी एक्सलेशंस. रूल वही है फिर, ये 2 kg राइट जा रहा है तो इसके अंदर यहाँ पर कौन सी फ्रिक्शन ऐड कर रही है, काइनेटिक. और बदले में यहां पर कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक. डायग्राम वही बनेगा स्टैटिक वाला, पर एफ एफ की जगह एफ के हो जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. और ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, नीचे 8 N, तो 8 और 8 N है ये. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. तो क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है, तो फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg को 200 N फोर्स ऐड कर रही है आगे की तरफ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक पीछे कितनी ऐड कर रही है, 8 N. 4 kg ब्लॉक, जो 4 kg ब्लॉक है उसको काइनेटिक आगे ऐड करेगी कितनी, 8 N. रूल वही है जो स्टैटिक के थे, पर फर्क ये है कि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है, बाकी एवरीथिंग इज सेम. फिर से फ्री बॉडी डायग्राम, 200 - 8 = 2 × A1 एंड 8 = 4 × A2, यहाँ से A1 A2 आएगा. तो अगर तो क्वेश्चन स्टैटिक फ्रिक्शन पे आता है, फिर तो आपसे एफ पूछेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बता दो और कैसे कैलकुलेट करनी है, फ्री बॉडी डायग्राम से. और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन पे क्वेश्चन आता है तो आपसे काइनेटिक फ्रिक्शन तो पूछेगा, साथ में उसकी एक्सेलरेशन भी पूछेगा, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशंस डिफरेंट है. तो रूल नंबर 1, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के क्वेश्चन जब आएंगे, पहला रूल, हम चेक करेंगे
कि ये सेपरेट होंगे या नहीं होंगे, और कैसे चेकिंग होगी, ऐसे चेकिंग होगी। तो या तो 10 न्यूटन से कम फोर्स है या 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स है। अगर तो 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स है तो इनके बीच में कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक, और अगर कम फोर्स है तो इनके बीच में कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक। अगर तो है स्टैटिक फिर बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम और स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर है काइनेटिक फिर सीधा लिख दो म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अगर आपसे वो एक्सेलरेशन पूछ ले फर्दर फिर आपको फिर ड्रॉ करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो रूल्स क्लियर हैं यहाँ तक कि कैसे इसमें सोचना है, ठीक है। एक बार फिर देखो, 2 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, ऊपर फोर्स कितनी है 2 न्यूटन, नीचे फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, और इनके बीच में स्टैटिक और काइनेटिक पता है। आपका मन क्या कहता है, इनकी सेपरेशन होगी कि नहीं होगी? बड़ी जल्दी बता दिया, नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? एक पे 20 न्यूटन एक पे 2 न्यूटन, क्या लग रहा है, होगी कि नहीं होगी? होगी लग रहा है? अच्छा, पता नहीं लग रहा, कुछ सस्पेंस लग रहा है मेरे क्वेश्चन में। ऐसा पहले इंस्टेंट में लगता है कि इनकी सेपरेशन होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार नीचे 20 न्यूटन लगा रहे हो, ऊपर जो 2 लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सेपरेट होंगे, और वो भी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसा लगता है कि सेपरेट होंगे, पर सोचो अगर अंदर फेविकोल से जोड़ रखा है मान लो, तो सेपरेशन कैसे होगी? पॉइंट है ना, यानी कि 20 और 2 के चक्कर में पढ़ नहीं सकते कि सेपरेशन होगी कि नहीं होगी, मैं कह नहीं सकता। फेविकोल की जगह ये बोलें अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जबरदस्त है जो सेपरेट हो ही नहीं रहे दोनों, तो गारंटी नहीं है कि सेपरेशन होगी या नहीं होगी। तो आप कभी भी अपने मन से ना पूछें कि मुझे लग रहा है कि होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल ना ऐसे कैलकुलेट करें, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप किससे कैलकुलेट करवाएं? म्यू एस से। तो आप मैक्सिमम स्टैटिक कैलकुलेट करें, तो यहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 10 न्यूटन। तो इनको सेपरेट करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, 10 न्यूटन। हमने कितनी लगाई, 2 और 20 न्यूटन। बोलो सेपरेशन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, पर आपने तो 20 लगाई है, एक पे 20 लगाई है, और सेपरेशन होने के लिए 10 चाहिए, अब होगी कि नहीं होगी? अभी पता नहीं लग रहा, बोल नहीं पा रहे कैसे, पर मैं इनको सेपरेट करने के लिए 10 न्यूटन चाहिए। हाँ तो ज़्यादा तो सेपरेशन होगी ना, तो सेपरेशन होगी, इसका मतलब वो कह रहे नहीं होगी सेपरेशन, क्यों नहीं होगी? ओके, देखो देखो अब ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, ये सेपरेशन की टेंशन किसे है, ये दिक्कत किसे है, जो ब्लॉक ऊपर बैठा हुआ है। जो नीचे बैठा है वो कहता है मैं कहाँ से सेपरेटेड हूँ, मैं तो ज़मीन पे बैठा हूँ यार, मेरे को क्या सेपरेट करोगे, मेरे को इधर मूव करवाओ या इधर मूव करवाओ, मैं कौन सा सेपरेटेड हूँ? तो प्रॉब्लम किसकी है, ऊपर वाले की, क्योंकि गिरेगा कौन, ऊपर वाला। तो ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा भाई तू सेपरेट होगा कि नहीं होगा। ऊपर वाला कहता है देख मेरे ऊपर फोर्स कितनी है 2 न्यूटन, और सेपरेशन के लिए कितनी लगती है 10 न्यूटन, तो मैं नहीं होऊंगा सेपरेट क्योंकि मेरे ऊपर फोर्स क्या लगी, कम लगी। बोलो, ओके, नीचे से निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, पर अगर यार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सफिशियंट है ये साथ में इसको भी ले जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, निकले, मैं तो मना नहीं कर रहा। आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर बहुत फोर्स लगा दूँ तो फिर हो सकता है नीचे से निकल जाए, ये कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ तो कोई बात नहीं, तो साथ में ये भी चल पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सफिशियंट है, आप समझे नहीं। देखो सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन का मतलब यहाँ पर स्लाइडिंग है, अगर वो घिसट गया ना तो सेपरेशन है। आप भी यही बात कर रहे हो कि वो नीचे से खिसक गया, जब वो खिसकेगा तब तो काइनेटिक है ना, वो गिर जाएगा बात अलग है, काइनेटिक तो फिर भी है ना। अगर मैं तुम्हारा केस भी ले लेता हूँ कि यहाँ पर 2000 न्यूटन कर देता हूँ, नीचे खिसक गया, जब तक खिसक रहा है तब तक तो काइनेटिक लगा के छोड़ेगा ना, वही तो निकालना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? लेकिन मेरे हिसाब से नीचे के ब्लॉक को देखना नहीं चाहिए, ऊपर को देखना चाहिए, क्योंकि ऊपर का ब्लॉक जो है वो साथ जाने को तैयार है या नहीं तैयार, वो ऊपर वाला बताएगा, नीचे वाला तो चल पड़ा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर मैं 2000 न्यूटन लगाता हूँ, हाँ फिर आप कह सकते हो नीचे वाला खिसक गया ऊपर वाला रह गया। अब यहाँ पर तो आपने फ्रिक्शन एकदम जबरदस्त 10 न्यूटन लगा दी,
अब इमेजिन करो ना, 10 न्यूटन बहुत बड़ी फ्रिक्शन है, समझो फेविकोल लगा दिया, अब बोलो किसका हो, लगाओ नीचे साथ में वो भी जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि ये जो फैसला है, ये सेपरेशन होगा या नहीं होगा, ये ऊपर का ब्लॉक करेगा, नीचे की ब्लॉक की फोर्स नहीं करेगी। क्लियर है यहाँ तक? सेपरेशन मीन्स कि स्लाइडिंग, मतलब इकट्ठा मूव ना करना, बस गिरे ना गिरे वो तो अलग बात है, वहां तक तो क्वेश्चन ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा, इधर जाएगा, जहां मर्जी जाए, चाहे इधर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ब्लॉक को साथ लेके जाएगा या नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इन दोनों को सेपरेशन के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 10 न्यूटन। इसके ऊपर मैं चाह रहा था सेपरेट हो जाए। अच्छा सोचो, अगर मैं 2 न्यूटन भी ना लगाऊं तो फिर तो गारंटी है यार, 2 kg इसके साथ जाएगा ही जाएगा, फिर तो कर क्या सकते हो, मानते हो? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, 10 न्यूटन है। अगर मैं 0.1 न्यूटन लगाता हूं तब भी जाएगा ही जाएगा, मेरी फोर्स कमजोर है यार, मैं सेपरेट कर ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा मुकाबला फोर्स का इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से है, इसकी फ्रिक्शन इस वैल्यू से नहीं है। ये जाता है जाए, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि ये साथ जाता है या नहीं जाता, और वो कौन डिसाइड करेगा मैंने कितनी फोर्स लगाई ऊपर वाले ब्लॉक पे। अगर मैंने जो फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाई, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो जा ही रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक को मैं खींच लूँ, तो मैंने अपनी तरफ से 2 न्यूटन लगाई, पर इनकी सेपरेशन के लिए कितनी रिक्वायर्ड है, 10, तो मेरी 2 न्यूटन काम नहीं करेगी यार, ये खिसकी जाएगा साथ में, होगा नहीं ना। फ्रिक्शन जबरदस्त जोड़ है ना, जोड़ने का काम कर रही है, हल्का सा अगर वो हो गया फिर तो तभी होगा जब ये 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स होगी, फिर हो जाएगा, फिर एक इधर जाएगा इधर जाएगा, फिर तो बात खत्म है। पर जब तक आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करते, आप सेपरेट कैसे कर सकते हो? अच्छा आप ऐसे इमेजिन कर लो, चलो ऐसे इमेजिन करो, ऊपर वाला ब्लॉक ये ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ऊपर वाला ब्लॉक ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए ये ग्राउंड है बस। तो अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से इसको स्लाइड करवाने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, हिलाने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, पर आपने कितना लगाया, 2 न्यूटन, तो ये ना सेपरेट होता। पॉइंट समझ में आ रहा? तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपका मन बहुत कुछ कहेगा कि मुझे लग रहा है कि जाएगा, सेपरेट होगा, आपने मन की नहीं सुननी, आपने सिर्फ मैक्सिमम स्टैटिक की सुननी है। उसने बोल दिया 10 न्यूटन चाहिए तो चाहिए, और आपने कितनी अप्लाई की, 2, तो सेपरेशन नहीं होती, इकट्ठे ही जाएंगे, तो आपकी फोर्स कमजोर है। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे केस में कौन सी फ्रिक्शन काम करेगी यहां पर, स्टैटिक। स्टैटिक, अब स्टैटिक कैलकुलेट करने के लिए का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे वाला ब्लॉक लेफ्ट जा रहा है, तो इसको फ्रिक्शन कहां मिलेगी, स्टैटिक राइट, और बदले में इसे लेफ्ट। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि बड़ी है, बड़ी होनी चाहिए वैसे तो, और 2 न्यूटन कमजोर है, साथ चला जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, 2 kg ब्लॉक को यहां फ्रिक्शन लगेगी, 2 न्यूटन इधर है, 20 न्यूटन इधर आ रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे है, यहां पर एफ के का कोई काम नहीं है, यहां पर एफ सिर्फ एफ का काम है, क्योंकि यू हैव टू कैलकुलेट स्टैटिक फ्रिक्शन। दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कॉमन है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एफ माइनस 2 इज इक्वल टू 2 into a, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 20 - f इज इक्वल टू 4 into a। कोई डाउट इसमें? इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो a और f कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? a और f की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे निकलेगी स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ रहा है? अगर बस यही चेक करना है कि इकट्ठे मूव करेंगे या नहीं करेंगे, अगर इकट्ठे मूव करेंगे फिर फ्री बॉडी डायग्राम से f कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, एक मास क्या है m, एक मास क्या है 3m, एक छोटा एक बड़ा, यहां मैंने फोर्स नीचे लगाई कितनी 2 mg, और यहां पर कौन सा फ्रिक्शन गिवन है, काइनेटिक, तो और स्टैटिक दे ही नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्लाइड करवाएगा, ये तो करवा के छोड़ेगा, ये तो स्टैटिक देता, फिर चेक करना पड़ता। और फिर मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो वो कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, और साथ में कह रहे हैं फाइंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब रिलेटिव वर्ड का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोनों की एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसे निकलती थी वेक्टर में v1 - v2, ऐसी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी, a1 - a2। इसका मतलब एक्सेलरेशन दोनों की डिफरेंट है,
और एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी? काइनेटिक, काइनेटिक। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी क्योंकि ब्लॉक राइट जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक पीछे और इसकी आगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी क्या? यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एम जी, तो म्यू के इंटू एम जी, पॉइंट टू इंटू एम जी। तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए काइनेटिक राइट है और इसकी एक्सेलरेशन ए वन है, नीचे वाले ब्लॉक के लिए फोर्स टू एम जी है और पीछे की फ्रिक्शन काइनेटिक है और एक्सेलरेशन ए टू है। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है, ठीक है यहाँ तक? तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? दिस फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एक आंसर। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? बड़ी में से छोटी फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, ए टू आ गया, ए वन ए टू आ गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यूज को क्या कर देना है? माइनस, आंसर। क्लियर है यहां तक? तो बनना हर में फ्री बॉडी डायग्राम पड़ेगा ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है यहां तक? रिवाइज करना पड़ेगा इसे और बनाना पड़ेगा इसे डायग्राम को।